राजस्थान में इस महीने के आखिर में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। ऐसे में इससे ठीक पहले बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए कई सियासी बदलाव किए हैं। हाल ही में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष तक कई नियुक्तियां की। इन नियुक्तियों में जातिगत मजमुए इस तरह बिठाए गए कि आने वाले उपचुनाव में उन वर्गों को साधा जा सके। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। बीजेपी में बड़े बदलाव किए गए हैं। दिसंबर 2023 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पदों पर ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी काम कर रहे थे। अप्रैल में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी 25 में से 11 सीटें हार गई, जबकि पिछले दो चुनावों में पार्टी ने सभी 25 सीटें जीती थी। इसमें पार्टी के अंदर ये मुद्दा लगातार चर्चा में था कि दूसरी जातियों समुदायों को भी बड़े पदों पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसे में पार्टी ने हाल ही में दो बड़े पदों पर जरूरी बदलाव किए। भाजपा ने हाल ही में मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यह पद अप्रैल 2023 से सीपी जोशी के पास था। मदन राठौर राज्यसभा सांसद है और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो वहीं पार्टी में लंबे समय से अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी का पद संभाल रहे थे। वो राजपूत समाज से आते हैं। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की तरह ही उप मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी पदों पर एक ही जाति राजपूत के प्रतिनिधि थे। ऐसे में पार्टी ने संगठन में अब प्रदेश प्रभारी का पद सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को दे दिया है। इससे पार्टी वैश्य समाज को साधना चाहती है। बीजेपी के पास अब सीएम और दो डिप्टी सीएम पदों पर ब्राह्मण, राजपूत और एससी वर्ग के नेता हैं। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी और प्रदेश प्रभारी वैश्य समाज के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान में ये पांचों वर्ग सबसे बड़े 7 वोट बैंक माने जाते हैं। ये पांचों समाज अगर भाजपा के पक्ष में मतदान करें तो पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिल सकती है। पार्टी इसे अपने लिए नियमित टीम मान रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट वेद माथुर कहते हैं कि सभी 5 समाजों को साथ लेने के बावजूद भाजपा में जाट, गुर्जर और मीणा समाज का प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं देता, जबकि तीनों ही समाज की गिनती राजस्थान के बड़े मतदाता वर्गों में होती है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणामों में जाट बहुल वाली सीटों पर भाजपा ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया तक चुनाव हार गए थे। हालांकि भाजपा ने 4 जाट विधायकों को मंत्री बनाया है और डॉक्टर पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया है, लेकिन राजस्थान में कोई बड़ा पद सीधे तौर पर नहीं दिया गया। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जाट बहुल वाली सीटें सीकर, बाड़मेर, चूरू, नागौर और झुंझुनू भाजपा हार चुकी है। इनके अलावा मीणा और गुर्जर बहुल वाली सीटें दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर और टोंक सवाई माधोपुर भी भाजपा हार गई थी। ऐसे में इस बड़े वर्ग का साथ अगर भाजपा को नहीं मिला तो 5 सीटों पर उपचुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज। शुक्रिया।